केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर रायबरेली में मंत्री समूह ने संयुक्त रूप से जनसभा कर केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र देव सिंह, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, रायबरेली की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए जहाँ जल शक्ति मंत्री ने लोगों से अपनी सुरक्षा की खातिर मोदी और योगी को जिताने रहने की अपील की, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में पूरे देश समेत रायबरेली में गुणोत्तर विकास हुआ है। कृषि मंत्री ने इस दौरान पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार रायबरेली भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पहले कहते थे कि रायबरेली नहीं जीती जा सकती, लेकिन इस बार जब यहां आया तो हर कोई यहां कह रहा है कि रायबरेली जीत लेंगे, शेष 79 सीटें भी जीतेंगे। रायबरेली की जनता जनार्दन कांग्रेस से त्रस्त है और कांग्रेस के द्वारा अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। कांग्रेस के सांसद जिस दिन से जीते हैं उस दिन के बाद से आज तक रायबरेली का दर्शन उन्होंने नहीं किया है, इसलिए जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा का काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता विकास में लगे हुए हैं, इसलिए हम रायबरेली भी जीतेंगे और शेष 79 सीट भी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।